मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल बटन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बनाने वाले हैं खरवस। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि खरवस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें चाहिए कंडेंस मिल्क 1 कप, दही 1 कप जिसमें से हमने पूरा पानी निकाल के गाढ़ा दही ले लिया है, दूध 1 कप, इलायची पाउडर, स्लाइस्ड किए हुए ड्राई फ्रूट्स, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। खरवस बनाने के लिए हमें दूध, दही और कंडेंस मिल्क इक्वल क्वांटिटी में लेना है। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, 1 कप दही। दही हमें गाढ़ा लेना है, नहीं तो खरवस में पानी रह जाता है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें दही या कॉर्नफ्लावर के लम्स नहीं रहने चाहिए। एक प्लेन बैटर हमें तैयार करना है। फिर इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे और इसे भी 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। आप चाहे तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी स्वीट कंडेंस मिल्क लिया है इसलिए मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ। फिर इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। हमारा ये बैटर अब तैयार है। मैं इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स के स्लाइस और इलायची पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ मैंने कुकर में 1 गिलास पानी उबालने के लिए रखा है और कुकर की 1 प्लेट डाल दी है। अब हम जो तैयार बैटर का बर्तन है वो इसमें रख देंगे। कुकर की जो सीटी है वो हमें निकालनी है, क्योंकि हमें इसे सिर्फ स्टीम पे ही पकाना है, इसलिए हमें ये सीटी निकाल लेनी है और इसे कवर कर देना है। गैस लो फ्लेम पे रख के हमें इसे 40 मिनट तक स्टीम करना है। 40 मिनट के बाद अब इसे हम खोल के देख लेंगे। इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। ये फोर्क एकदम क्लियर निकला है, इसका मतलब ये स्टीम करके तैयार है। इसे पूरा ठंडा होने के बाद चाकू से हम इसके साइड्स अलग कर देंगे। आप इसे मनचाहे शेप्स में कट करके प्लेट में सर्व कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख के आप इसे ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।